बच्चों, हिंदी का लंच में आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा की पुनरावृत्ति करेंगे। परीक्षा में संज्ञा के किस तरह का प्रश्न प्रारूप रहेगा, किस तरह से प्रश्न रहेंगे, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इसलिए यह वीडियो आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दोष आदि के नाम का परिचय देने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। देखिए, मैं फिर से दोहराती हूँ। कोई वस्तु हो, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दोष आदि के नाम का परिचय देने वाला शब्द संज्ञा शब्द कहलाता है। उदाहरण देखिए, जैसे सुरेश, दिल्ली, शहर, पानी, बचपन, परिवार आदि, यह संज्ञा के उदाहरण है। तो अभी हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के पांच भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम यह संज्ञा के भेद की परिभाषा और उनके उदाहरण देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा जान लेते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जो शब्द कोई खास विशेष, मतलब खास व्यक्ति, वस्तु हो या स्थान, उनके नामों का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे कि मदर टेरेसा, लाल किला, हिमालय, गंगा। जैसे मदर टेरेसा, हमें पता ही उनके बारे में, यह खास व्यक्ति का नाम है। लाल किला, यह वास्तु का नाम है। हिमालय, यह पर्वत का नाम है। और गंगा, नदी का नाम है। दूसरा देखिए प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए फिर से, जो शब्द कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, उन सब की संपूर्ण जाति का बोध यानी कि पता करवाते हैं, हमें मालूम होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, गांव, शहर, नदी, पक्षी, लड़का आदि, यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए तीसरा प्रकार है यहाँ पर हमारा, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी अवस्था, भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के जो उदाहरण है, जैसे बचपन, उदासी, सुंदरता, वीरता, खुशी आदि। भाववाचक भाव यानी कि इमोशंस है ना, जो कि हमें दिखाई नहीं देते लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। और ऐसे ही फिर अवस्था होती है, भाव, गुण, दोष, स्वभाव होता है, उनके बारे में जो शब्द हमें बोध कराते हैं, वही शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, बचपन, उदासी, सुंदरता, वीरता, खुशी, यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे देखिए, समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह में ही अर्थ छुपा है। समूह यानी कि एक से अनेक, एक से ज़्यादा वस्तुओं का समूह होता है। तो यहाँ पर वही परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनका समूह का हमें पता चलता है, उन शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे कि भीड़, सभा,
परिवार, झुंड, दल आदि। यहाँ पर एक से ज़्यादा, जैसे परिवार में देखिए है ना, परिवार में जैसे चाचा जी, चाची, माता जी, पिता जी, यह इनसे ही परिवार बनता है। भीड़ यानी कि लोगों की भीड़, तो यह समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या अधातु का या द्रव्य का बोध कराते हैं, हमें पता होता है, हमें पता कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, तेल, लोहा, चावल, अनाज, घी, दूध, यह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे देखिए, अभी हमने जो उदाहरण देखे थे, मैं यहाँ पर अभी हम उदाहरण देखेंगे वाक्य में। जैसे कि संज्ञा के यहाँ पर पांच अलग अलग प्रभेदों के हिसाब से यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हैं। जैसे मैंने रामायण पढ़ी है ना, तो यहाँ पर रामायण यह जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामायण एक ग्रंथ है जो कि विशेष खास ग्रंथ है, तो यहाँ पर रामायण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा वाक्य है वह कल गांव जाएगा, यहाँ पर गांव यह क्या है, संज्ञा है, तो यह गांव जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाएगा तो गांव जाएगा, गांव जो है गांव का नाम यहाँ पर नहीं बताया है, तो गांव यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमें सच्चाई के राह पर चलना चाहिए, सच्चाई यह भाव है ना, यह क्या है, भाव, इसलिए यह भाववाचक उदाहरण है। जैसे हमने भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखे थे, वैसे सच्चाई के राह पर चलना चाहिए, तो यहाँ पर सच्चाई क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उनका परिवार बड़ा है, यहाँ पर परिवार जो है वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तुम पानी लाओ, पानी जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अभी हम प्रश्न देखते हैं, मतलब प्रश्न का प्रारूप देखते हैं, जैसे कि आपको परीक्षा में होगा, तो यहाँ पर प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो तीन विकल्प में दिया है उसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, जैसे सेना, चार और थोड़ी, तो समूहवाचक संज्ञा का उत्तर यहाँ पर सही विकल्प आएगा सेना। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं पानी में तैरता हूँ, वाक्य में पानी शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिया है और वाक्य में जो पानी शब्द है वह कौन से संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि कौन से संज्ञा का प्रकार है, वह बताना है विकल्प में से। तो यहाँ पर तीन विकल्प दिए हैं, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पानी द्रव्य है, मतलब यह द्रव्यवाचक संज्ञा, इस विकल्प हमें चुनना है, सही विकल्प आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी प्रश्न दूसरा देखिए, सही विकल्पों को चुनिए, दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ पर आपको जो विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों में से जो भी सही है उनको आपको चुनना है। जैसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण पूछे हैं, तो इन विकल्पों में दिए हैं मित्र, ताजमहल, बचपन, महात्मा गांधी। तो इन विकल्पों में से ताजमहल और महात्मा गांधी, यह विकल्प जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के विकल्पों को हमें चुनना है। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ पर भी आपको चार विकल्प दिए हैं, जैसे सेना, पेड़, झुंड और मोर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको समूहवाचक संज्ञा के जितने विकल्प हैं उन्हें आपको चुनना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है समूहवाचक संज्ञा के सेना,
और झुंड। प्रश्न तीसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत पहचानिए। यहाँ पर पहला दिया है पेड़ पर बंदर थे, इस वाक्य में पेड़ शब्द संज्ञा है, तो आपको यहाँ पर चुनना है कि सही है या गलत है। तो यहाँ पर वाक्य क्या दिया है, पेड़ पर बंदर थे, तो इस वाक्य में पेड़ जो शब्द है वह संज्ञा है या नहीं यह आपको बताना है। तो पेड़ यह क्या है, संज्ञा है, तो आपको सही को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। अभी दूसरा प्रश्न देखिए, गंगा नदी बहुत बड़ी है, इस वाक्य में गंगा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है कि गंगा नदी बहुत बड़ी है, तो इस वाक्य में जो गंगा शब्द दिया है वह जातिवाचक संज्ञा है, तो आपको देखना है कि वह सही है या गलत है यह चुनना है। तो गंगा क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो यह आएगा। तो हम किसे कौन से विकल्प को चुनेंगे, तो हम गलत है ना, गलत विकल्पों को चुनेंगे, मतलब यहाँ गलत के यहाँ पर गलत विकल्प को चुनना है, क्योंकि गंगा जो है वह जातिवाचक का नहीं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चों इस तरह से हमारा प्रश्न का प्रारूप होगा। मुझे आशा है कि आपको संज्ञा की पुनरावृत्ति जो अभी हमने इस कालांश में की वह आपको समझ में आई होगी और प्रश्न का प्रारूप भी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।